Kaushavi and I'm from Maharashtra. Right now I'm pursuing MSc in Forensic Science from National Institute of Criminology and Forensic Science. My area of professional interest is civil services, and that is why I joined Vedanta IAS Academy. The teachers in Vedanta are very qualified and provide us with detailed notes on every topic. The non-teaching staff here over here is too very cooperative and helpful. I'm happy to be in Vedanta. Thank you. You are the runner in the long race called life. You decide the victory or defeat in it. Learn, grow and groom for the long race. Accomplish your goals and chase your dreams. Educate the runner in you for life. Every giant leap always begins with tiny steps. The tiny steps which one takes into learning exits into a fully shaped dream. The life's masterpiece was once scribbled on the back of the school notebook. What we have as a standard now was once difficult to even fathom. The school desk not only gave birth to the dream, but also the support to carry it forward. And now that's the giveaway I have for those who look up to me. So what I entered for is what I'm leaving with. आज के समाज में प्रतियोगिता एवं शिक्षा का महत्व बहुत बढ़ गया है। सभी अपने करियर की शुरुआत एक अच्छे स्तर से करने की ख्वाहिश रखते हैं। वहीं दिल्ली में स्थित रोहिणी के टैकिनिया ऑडिटोरियम में वेदांता ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट का भव्य कार्यक्रम का आयोजन इंस्टीट्यूट के चेयरमैन एसपी वर्मा ने बड़ी रोचक अंदाज में कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर सरस्वती माँ के वंदना से शुभारंभ किया। इस दीप प्रज्वलित कार्यक्रम में मुख्य रूप से डॉक्टर भरत सिंह चेयरमैन PIIT, हमवीर सिंह चीफ इंजीनियर NDMC, श्री जितेंद्र लोधी ब्रांड एम्बेसडर ऑफ वेदांता ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट, श्री दारा सिंह नेशनल प्रेसिडेंट ऑल इंडिया SC, ST, OBC and EBC फेडरेशन के अलावा इंस्टीट्यूट एवं शिक्षा जगत के नामी ग्रामी हस्तियां मौजूद थे। शुरुआती दौर में माँ सरस्वती की वंदना काफी खूबसूरत रही। वहीं वेदांता इंस्टीट्यूट ऑफ ग्रुप के IAS, BEd, JVT, BSSSB, सिविल सर्विसेज एवं टीचर ट्रेनिंग के सभी विद्यार्थियों ने कार्यक्रम में हिस्सा लेकर अपने टैलेंट को मंच पर बखूबी तरीके से दिखाया ही नहीं बल्कि साबित किया। भीड़ से खचाखच भरे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय सांसद उदित राज के बाद कार्यक्रम में चार चांद लग गए। आते ही सबसे पहले कार्यक्रम के चेयरमैन SP वर्मा ने उनका भव्य स्वागत किया, जिससे वे गदगद हो गए। सांसद उदित राज ने इस इंस्टीट्यूट के सभी प्रतिभाशाली विद्यार्थियों से कहा कि तुम भारत के कल के भविष्य हो, परंतु इस प्रतियोगिता के दौर में कामयाबी यूं ही नहीं मिलती, उसके लिए शिक्षा के साथ साथ संस्कार का होना। मुझे उम्मीद है कि वेदांता ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट एवं इसके चेयरमैन SP वर्मा का मकसद शिक्षा पर विशेष तौर पर कंपटीशन के लिए रिसर्च कर बच्चों को क्वालिटी पूर्ण तरीके से तैयार करना है।
मैं एसपी वर्मा, डायरेक्टर ऑफ वेदांता आईएएस एकेडमी, जो कि इसकी स्थापना 1997 में की गई थी। मेरा ये मानना है कि ग्रामीण क्षेत्रों से या ये इस कोर्स को ज़्यादातर बच्चे जो पास करते हैं वो मध्यम वर्ग के बच्चे ज़्यादा होते हैं, तो मेरे माइंड में यही आया कि क्यों ना उन बच्चों के लिए कार्य किया जाए। मैंने 1997 बाद ऐसे कई गांव देहात के जो गरीब बच्चे थे, जो टॉपर थे, उनको अपने यहाँ एडमिशन दिया और उनका बेहतर रिजल्ट दिया। मेरा ये मानना है कि जो बच्चे ये सोचते हैं कि मेरे से सिविल सर्विस का एग्ज़ाम पास नहीं हो पाएगा, ये उनकी भूल है, क्योंकि ऐसा कोई एजुकेशन नहीं है जिसमें समान मेहनत ना करनी पड़े। इसलिए मैं सभी बच्चों से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि अपने आप को कमज़ोर ना समझें और एक ऐसे संस्थान से शिक्षा लें जहां पर उनको सही, आपको कम से कम समय रहते हुए एक बार सिविल सर्विस में बच्चे को जरूर भेजें, अपने बच्चे की योग्यता समझें, परखें। मैं इसलिए भी कहना चाहता हूं कि भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता उन्हें आसान लगता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो रास्ता सही हो। इसलिए रास्ते आप खुद चुनिए, क्योंकि आपके बारे में आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। इसलिए लाइफ में सिविल सर्विस एग्ज़ाम को ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि जितने भी डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स हैं लगभग बराबर मेहनत होती है और इससे पूरे पेरेंट्स का, पूरे समाज का, पूरे देश सेवा में अपने योगदान, अपने आत्मनिर्भरता, अपने आत्मविश्वास को जगाते हुए परीक्षा को जरूर दें। क्योंकि मेरा मानना है जितने बच्चे सिविल सर्विस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, जितने बच्चे सिविल सर्विस के एग्ज़ाम तैयारी करते हैं, अगर वो आईएएस बने या ना बने, उनके समाज में एक विशेष तरीके की भूमिका रहती है और वो समाज को, अपने साथ साथ समाज को, परिवार को सदैव आगे लाने का वो प्रयास करते हैं और कभी वो पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं। इसलिए ज़रूर एक बार मौका दें। इसलिए मैं उन बच्चों को भी बोलना चाहता हूँ, उन पेरेंट्स को भी बोलना चाहता हूँ जो गरीब बच्चे हैं समाज में, ऐसे बच्चे जो बिल्कुल पढ़ाई में अपना ये सोचते हैं कि पैसा नहीं खर्च कर सकते हैं, वो ज़रूर संपर्क करें। उनकी वेदांता आईएएस एकेडमी का एक विशेष कोर्स होता है, उसके तहत उनकी ज़रूर मदद की जाती है। इसलिए एक बार ज़रूर संपर्क करें। और जो बच्चे टैलेंटेड होते हैं उनके लिए हमारे रहने की व्यवस्था, उनके पेइंग गेस्ट की सुविधा, उनके स्पेशल जो गाइडलाइन दी जाती है, एक हमारी टीम होती है जो उन बच्चों के लिए हरदम दिन रात तैयार रहती है, स्पेशल गाइडलाइन देती है पूरे साल, उनको स्टडी नोट्स के द्वारा, उनको टेस्ट सीरीज के द्वारा, उनको जो है प्रॉपर लाइब्रेरी के द्वारा प्रॉपर गाइडलाइन मिलती है। और इनकी स्पेशल क्लास कुछ ऐसी दी जाती हैं, मोटिवेशनल क्लासेस होती हैं, मेडिटेशन क्लास दी जाती हैं जिससे बच्चा अपने आप को इम्प्रूव कर सकता है, और कुछ शॉर्टकट तरीके द्वारा भी बच्चों को गाइडलाइन दी जाती है। आईएएस ऑफिसर्स और जो पुराने टॉपर्स हैं हमारे वेदांता आईएएस अकेडमी के, जो बीच बीच में आते हैं, बच्चों से मिलते हैं, गेट टुगेदर करते हैं और उनके हौसला अफजाई करते हैं और उनसे उनका मनोबल काफ़ी बढ़ता है। इस मौके पर वैश्य व्यापार न्यूज चैनल के
हैं। सो कहाँ से हैं आप? बिजनौर। बिजनौर। सो आप आईएएस आपने कब से ज्वाइन किया, क्या फ्यूचर है आप? ओके, आई जॉइन वेदांता एकेडमी बैक इन जुलाई 2017। सो आई वांटेड टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर। ओके, ग्रेट, नाइस। आप बताएंगे आपका नाम क्या है? रचना। रचना, कहाँ से हैं आप? गाज़ियाबाद से। गाज़ियाबाद से। आप इस इंस्टीट्यूट के बारे में कुछ खास बात बताएंगे? यहाँ के फैकल्टीज जो है बहुत अच्छे हैं, और मतलब जो पढ़ाते हैं सब समझ में आता है, और जो नोट्स वगैरह जो टीचर्स है वो आपको अच्छे से गाइडलाइन करते हैं, सब कुछ प्रॉपर है। कोई इसकी कुछ खास बातें बताइए जो सबसे और इंस्टीट्यूट से अलग है। मतलब जो फैकल्टीज दे गए हैं, जैसे हम टाइम टू टाइम डाउट क्लियर्स करते हैं, नोट्स बहुत अच्छे प्रोवाइड किए गए हैं, और स्टाफ से भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ अगर हम हेल्प मांगते हैं तो वो टाइम टू टाइम प्रोवाइड करते हैं सभी। ग्रेट, नाइस। हाँ जी सर, आप अपने बारे में कुछ बताएंगे? मेरा नाम पुलकित अग्रवाल है। आई हैव बीन टीचिंग इन वेदांता फॉर द लास्ट 6 मंथ्स एंड माय एक्सपीरियंस विद वेदांता हैज बीन एक्सट्रीमली फाइन, मोस्टली बिकॉज़ द स्टूडेंट्स हियर आर वेरी ईगर टू लर्न, and that also provides me with a push and a fillip to give them more and to give my best. And also the staff here is very, very helpful, like Abhishek sir and Varsha ma'am, they are very, very helpful. And with our founder sir, SP Verma sir, he is also like very, very helpful in provide, and he has given us the full freedom to do whatever in the class, to explain students in whatever manner, and the way they are providing with the students of study material and everything, that is also helping us in conducting the class in a very good manner. वेदांता एकेडमी ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां सभी विद्यार्थियों के सपने साकार होते हैं, जहां बच्चे आईएएस बीएड बनकर अपना भविष्य को उज्जवल होते हुए देखते हैं। वैश्य व्यापार न्यूज चैनल की टीम ने बात की एएफटीई के बीएड और जेबीटी के विद्यार्थियों से। सपोर्टिव है, सपोर्ट करते हैं। okay. और जो भी हमको नोट्स वगैरह हैं जो भी, वो भी इजीली अभी फिलहाल तक तो अवेलेबल हैं। ओके, थैंक यू। मैं यहाँ का बहुत पुराना स्टाफ हूँ। okay. और कई साल से काम करता हूँ, और हर साल बीएड के बच्चे होते हैं, हम लोग यहाँ पर क्लासेस प्रोवाइड करके बच्चों को बीएड प्रोवाइड करके गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड कराते हैं। सर, आखिर क्या खास बात है इस इंस्टीट्यूट में? कुछ बेसिकली खास बात यह है कि हमेशा जो स्टाफ होता है स्टूडेंट के टच में होता है, कभी भी किसी समस्या से भागने की कोशिश नहीं करते हैं, प्रॉब्लम जो भी होती है उसे समझने सुलझाने की कोशिश करते हैं। बच्चों को क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं? सब कुछ है जो फैसिलिटी बच्चों को चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर, अच्छी क्लासरूम, स्मार्ट क्लासरूम। बच्चों को यही चाहिए होती है कि उनकी समस्या का हल निकल जाए, जो चाहिए उनको मिल जाए, जो इनको मिल जाता है। ओके, थैंक यू। इसी दौरान हमारी बात हुई वेदांता इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर मिस्टर अभिषेक से। पूछा गया आखिर ऐसा क्या खास है इस इंस्टीट्यूट में, उन्होंने वेदांता एकेडमी के इंस्टीट्यूट के प्रति अपने विचार व्यक्त किए। मेरा नाम अभिषेक है और एज एकेडमिक डायरेक्टर मैं यहाँ पे हूँ। एंड बिहाफ ऑफ वर्षा मैम, एंड जो हमारा इंस्टीट्यूट है ये 1997 से है, एंड दिल्ली के टॉप इंस्टीट्यूट में नेम आता है हमारे इंस्टीट्यूट का। लॉट्स ऑफ स्टूडेंट का सिलेक्शन हमारे यहाँ से एवरी ईयर होता आया है। अभी रिसेंटली भी हमारा बैच स्टार्ट होने वाला है, इसमें हम जो पुअर स्टूडेंट्स होते हैं उनको स्पेशल स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं, एंड मंथली सेमिनार ऑर्गेनाइज होता है जिसमें जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं उनके थ्रू सेमिनार्स होते हैं। तो आकर के अपने पेरेंट्स से बस यही मिली है कि एक बार आकर के यहाँ इंस्टीट्यूट पर आप ट्राई कीजिए, काउंसलिंग लीजिए, बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचिए। आज के समाज में प्रतियोगिता एवं शिक्षा का महत्व बहुत बढ़ गया है। हेलो, हाँ, मेरा नाम रिंकू अग्रवाल है और मैं एएफटी में जो है 7 ईयर से जुड़ी हुई हूँ, और यहाँ का जो एक्सपीरियंस है एज ए स्टाफ मेरा कम और मुझे एज ए फैमिली मेम्बर ज़्यादा लगता है, और काफ़ी कुछ जो है मुझे स्टूडेंट्स के साथ भी और स्टाफ सीनियर्स के साथ भी सीखने को मिला है यहाँ पर। ओके, हाँ जी मैम, आप इस इंस्टीट्यूट की कुछ खास बातें बताइए। देखिए, इस इंस्टीट्यूट की खास बातें तो ये है, वैसे तो एक्चुअल जो बात है वो तो हमारे स्टूडेंट्स ही बता पाएंगे, बाकी मैं इतना जरूर कहूंगी कि हमारे यहाँ से जितने भी बच्चे हैं जो कोचिंग के थ्रू या एडमिशन्स के थ्रू जो रहे हैं, सिलेक्टेड हुए हैं, उनका आगे फ्यूचर जो है मतलब एज ए टीचर ही वो कहीं ना कहीं निकले हैं, और दैट्स इट। प्रतिभाशाली बच्चों ने कार्यक्रम में अपने अपने टैलेंट को दिखाया। बच्चों के गुरुजनों ने, माता पिता ने अपने बच्चों को कार्यक्रम में आकर उनका उत्साह जागृत किया गया। इस समाज में
होने वाली गतिविधियों को अपने अपने टैलेंट से लोगों को जागरूक किया। इस प्रतियोगिता में सभी टैलेंटेड विद्यार्थियों बच्चों को अवार्ड द्वारा सम्मानित किया गया। वहीं कुछ अवार्ड अंजलि ग्रुप, गणेश वंदना ग्रुप, सोनू डांस, राहुल ग्रुप आदि अवार्ड द्वारा सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में सभी पार्टिसिपेट बच्चों को अवार्ड और सर्टिफिकेट द्वारा सम्मानित किया गया। जो भी विद्यार्थी एक अच्छे प्लेटफॉर्म की तलाश में रहते हैं, वे यहाँ वेदांता में आए हैं और सक्सेस हुए हैं। वे IAS बने हैं और टीचर बने हैं। वेदांता इंस्टीट्यूट छात्रों को इस लायक बना देता है कि वो स्वयं सरकारी नौकरी पाने में सक्षम हो जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, वैश्य व्यापार। Audio Jungle.